अस्सलाम वालेकुम ग्रेट टू, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. दिस इज़ मिस नाजिया तौहीद. एंड लास्ट डे इन माय लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू अबाउट वर्ब्स, के वर्ब्स क्या होते हैं. वर्ब्स होते हैं कोई भी काम. और फिर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का काम स्टार्ट किया था और आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनाते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर बेसिकली हम वर्ब को चेंज कर रहे होते हैं. जैसे एक सेंटेंस मेरे पास है, शी, ब्रैकेट में आपके पास दो वर्ब मौजूद हैं, शी ईट और शी ईट्स फ्रूट. अब आपको यहाँ पर वर्ब चूज़ करके लिखना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा. एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईट और ईट दोनों. एक में एस लगा हुआ है और एक में एस नहीं लगा हुआ. नाउ यू हैव टू डिसाइड कि यहाँ पे कौन सा वाला वर्ब आएगा, एस के साथ वाला या विदाउट एस. तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में काम करने वाले को कहते हैं सब्जेक्ट. और यूजुअली सब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट में ही होता है. तो सब्जेक्ट के सब्जेक्ट अगर आपका ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो आप उसके साथ वर्ब में एस लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते. तो लेट्स चेक द सब्जेक्ट. इज़ इट ही? नो. इज़ इट शी? यस. ये ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में से कोई एक है. तो आप यहाँ पे कौन सा वर्ब चूज़ करेंगे? ये वाला जिसमें एस लगा हुआ है. मैं क्योंकि यहाँ पर टिक लगा रही हूँ, लेकिन जब मैं आपको इसकी पिक्चर भेजूँगी तो वहाँ पर मैंने उसको करेक्ट वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है. अब आपकी मर्ज़ी है कि चूज़ करने के लिए आप टिक लगाएं या सही वाले वर्ड पर कलर कर दें. येलो कलर सिर्फ करेंगे, येलो या लाइट ग्रीन हाईलाइट करने के लिए. उसके अलावा और कोई कलर आप अपनी कॉपी में यूज़ नहीं करेंगे. उसके बाद आई हैव द सेकेंड सेंटेंस, वी गो और गोज़ टू लाइब्रेरी. नाउ यू हैव टू चूज दैट वॉट इज द करेक्ट वर्ब विच यू आर गोइंग टू यूज इन दिस सेंटेंस. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है. अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन में से कोई एक है तो वर्ब हम वो वाला चूज करेंगे जिसमें एस या ई एस है. लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन नहीं है तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके अंदर ना एस लगेगा ना ई एस. So what is the subject? Is it he? No. Is it she? No. Is it? No. Is it a singular noun? No. ना ये he है, ना she है, ना it है, ना singular noun है. तो इसके अंदर खाली verb की first form लगेगी, ना s लगाएंगे और ना ही es लगाएंगे. Number 3. Sana wear or wears ग्लासेस. तो इसके अंदर आप चूज करके क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, क्या ये ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में से कोई है. तो सना एक सिंगुलर नाउन है बिकॉज इट इज़ अ नेम ऑफ अ गर्ल एंड गर्ल नेम इज कॉल्ड नाउन. और क्योंकि ये सिंगुलर है तो हम इसमें वो वाला वर्ब चूज करेंगे जिसमें एस लगा हुआ है. ठीक है, मैंने ये एक्सरसाइज आपको कल भी कराई थी बट आई thought that I should explain it again today for more and for more understanding. That's why I have explained it. Now it's your turn. I will give you the 10 sentences in which you have to choose the correct verb. What you have to do? First of all, you have to write down the heading of present definite, simple present tense on top of the line. Then after you will write down the instruction, choose the verb from the bracket and do the correct answer. 7 sentences I will solve for you and rest of the 3 sentences you have to do yourself. Till that, thank you and Allah Hafiz.